हाँ जी, वेलकम टू रेडियो महारानी सीधास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो। मैं रेडियो वाला तुषार आप सभी के साथ, और यहाँ पर आज मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और ये जाना पहचाना चेहरा भी है मेरे साथ, और ये भी थोड़ा जाना पहचाना है पर आज के लिए नहीं पहचानते हम आपको। पर अभी हमारे साथ यहाँ पर सिंह फैमिली है तो थोड़ा इनसे भी चर्चा कर लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए, आपने एक अच्छा टॉपिक छेड़ा था तो मैं सर सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग ये बात बोलते हैं कि फादर की चप्पल जब बेटे के पैर में आ जाए या जूता आ जाए तो वो एक फ्रेंड जोन में हो जाते, तो ऐसा हुआ था कि जब चप्पल आ गई तो उसका थोड़ा दोस्ती वाला रिलेशन बन गया था या जिम्मेदारियां आ गई थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही बोले, ऐसा ही होता है, सही कहते हैं आप। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब चप्पल ना बच्चे के पैर में आ जाएगा आपके, तो इस तरह महसूस होता है कि हाँ भाई, अब वो जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है, अब हमें भी वो करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। कई ऐसे किस्से हैं जी, बचपन से लेके 18-20 साल की उम्र तक क्या किया, कभी जो आधे तो आदमी भूल जाता है। कई ऐसे काम होते हैं कि जो नहीं भूले जाते। मैं जैसे नया नया ड्यूटी लगा, घर से मोटरसाइकिल लेके चला गया, हमारा इसको यही संदेशा होता था कि गाड़ी धीरे चलाओ। एक दिन ये गया, रास्ते में एक्सीडेंट मारा, अब ये कहता है कि दूसरे ने मार दिया, और टक्कर लगने के बाद खड़ा हुआ और अपनी रिकॉर्डिंग खुद करने लगा। कि यहाँ पर सर पे मैम भी बैठी हुई है, अब दोनों भाई बहन की जो लड़ाइयां होती हैं घर में या जोड़ी, तो वो खटपट कैसी थी? वो ना बयान करने वाली। अच्छा, आखिर में जीतता कौन था फिर दोनों में से? दोनों में से जीतते यही थे, बाप आता था। अच्छा, ये बात तो रही, अब जैसे कि हमने आप दोनों की बात तो करी, आप साथ में हरिंदर जी आपका बेटा भी है, हाँ, तो हम चाहेंगे कोई ऐसा किस्सा आप दोनों आपस में बताएं जो हुआ हो और आपको हमेशा याद रहता। इसके बारे में क्या बताएं, ये तो बस ना हम पता नहीं कुछ हम चाहते हैं कि इसको बोले ये बहुत अच्छा, ये है अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन पता है मुझसे नालायकी निकलता है कि काम ही कुछ अच्छे करते करते उल्टे कर जाता है। और ये तो नाम कम हमने बदले इनके, इन्होंने मेरे नाम बहुत बिगाड़े हैं। हम महाभारत बहुत देखते थे, महाभारत बहुत देख ली, रामायण बहुत देख ली, तो उसमें विदुर था, विदुर आपको बता रहे शब्द जी, तो हरविंदर मीर जी का एक तो हमने नाम रखा था विदुर, एक रखा था जुगनू, ये दो नाम थे इनके। और आज जुगनू कलर से मैचिंग शर्ट भी पहन के जुगनू नाम रोशन सारा, जैसे कि हमें सुधीर ने बताया कि इनके नाम आपने बहुत बिगाड़े, तो हमने क्या वो नाम बताए सबको पता ना चले। ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें याद है बहुत दिन, क्योंकि हमारे घर में सिस्टम मेरे मन में क्या आया कि मैंने चौक लिया, दीवार ने दिया रामदीन, मैं सुना ये है, ठीक है ना, घर भी तेरा है, कमरा भी तेरा है, अब यहाँ पे ये लिखा जाएगा। और एक बार कि डैडी उड़ी इतना फैडअप हो गए हमसे, वो कहते निकल जाओ घर से बाहर, ऐसे बच्चे तो हमें चाहिए नहीं। दरवाजा खोला बड़े भाई ने, और बड़े भाई के पीछे हम तीन जने साथ के साथ थे, दरवाजा खोल के निकल गए बाहर, चल पड़े हैं, और हम सोच रहे हैं कि हमें असल में घर से बाहर निकाल दिया गया, अब हम क्या करेंगे। तो वीर जी ने हम तीनों का हाथ पकड़ा चल रहे हैं, भैया हम कहाँ जाएंगे, कहते देखते हैं चलते हैं जाओ जा सकते हैं। पीछे से मम्मी ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो, उधर आओ, और डैडी गुस्से होंगे तुम अंदर, तो डैडी को पता नहीं लगने देंगे अंदर गुस्से। कोई किस्सा आपके वो याद हो जो मतलब सबके साथ मिलके आपने कोई शरारत करी हो, उसके घर पे बहुत डांट पड़ी हो? बिल्कुल तुषार, मैं छोटी थी तो हमारे घर में ना रिलेटिव्स आए हुए, मेरी बुआ के बेटे आए और मेरा अपना रियल ब्रदर भी गुरप्रीत, तो हम सारे छोटे, क्योंकि वीर जी बड़े थे और परमिंदर वीर जी वो भी बड़े हैं, मैं तीसरे नंबर पे और मेरे बाद बाकी के तीन। हमने क्या किया, बाई सेक्टर पार्क था गार्डन, तो हमें झूलों का बहुत शौक था, क्योंकि हमारे आसपास कोई पार्क कोई झूले नहीं थे, और मुझे लगा कि मैं बड़ी हूँ, मैं बच्चों को ले जाऊंगी, मुझे रास्ता याद है, तो जवाहर कॉलोनी से बाई सेक्टर तक का रास्ता मैं उनको ले गई, लेकिन हम चारों ने गलती है कि हमने घर में किसी को भी नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम मजे से निकल गए, गार्डन में घूम रहे हैं, झूले खा रहे हैं, खूब ऐश, और पहले का टाइम भी कितना अच्छा था ना, अब तो फिर डर है कि बच्चे उठाने वाले आ गए या आगे हो गए, पहले ऐसा कुछ नहीं था, हम आराम से घूम रहे थे, मजे से आ रहे हैं, हमें कोई होश नहीं कि घर में लोग परेशान हो रहे हैं, हमें ढूंढ रहे होंगे, सीरियसली घर पे तो इधर उधर सारी जगह हाहाकार मच गई, बच्चे गए तो गए कहाँ, सारे के सारे एक साथ सब गए, डैडी जी भी बाइक लेके कभी कहाँ घूम रहे हैं कभी कहाँ घूम रहे हैं। उसके बाद हम मजे से आराम से हाथ पकड़ के ना चारों चल रहे हैं रोड पे, डैडी जी बाइक पे आगे आए, डैडी की नजर एकदम से हम पर पड़ी, डैडी ने इशारा किया आ जाओ,
मैं तो बहुत डर गई कि अब तो हालत खराब, अब तो जरूर कुछ होगा। डैडी जी ने कुछ नहीं कहा, बाइक पे बैठाया जो था सबसे आगे मुझे बैठाया था। मैंने कहा सुखदीप अब तो तेरी शाम हुई, और बाकी के तीन पीछे बैठे। जैसे हम घर आए हैं डैडी ने एक एक करके सबको बाइक से उतारा, मुझे तो कुछ नहीं कहा, मैं तो चुपचाप डर के मारे पसीनों पसीने होगी कि अब थप्पड़ आया। बट पता नहीं डैडी ने मुझे कैसे बख्श दिया, लेकिन वो तीन दिन ना उनकी अच्छे से खिंचाई और सुसु बीच में। सेवंथ में क्या हुआ था कि मैं को घर वाले कहा कि यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड आ, रिपोर्ट कार्ड का है, और मेरे मार्क्स बहुत कम थे, अब ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मैं रिपोर्ट कार्ड ना अभी मिली नहीं है, अब क्या है कि टीचर को रिपोर्ट कार्ड मिली, मिली कैसे मिली, उस पर साइन डैडी के बोल रखे थे, दुखी मैंने कर दी। दो दिन के बाद मुझे याद है वो दिन के डैडी फिफ्थ पीरियड के बाद डैडी सर आ गए थे ये पूछने के लिए कि हाँ भी रिपोर्ट कार्ड का है बच्चे की, और रिपोर्ट कार्ड लाके सामने रखी तो देखा कि साइन हो रखे टिटो में हो रखे। ये सिस्टर है, अब हमने या हमने कुछ शरारत करनी है, कुछ तारी करनी है, तो हंसको अच्छे याद होगा कि हम क्या खेलते थे रामायण में, रामायण का अंगद खेलते थे, अंगद पैर जमाता था और ये बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी उसकी एक्टिंग। अब आप आता हूँ कि हमारे पास मोबाइल होता उस टाइम होता, तो उसकी एक्टिंग ऊपर रिपोर्ट में दिखाते थे क्या एक्टिंग करती है, क्या एक्टिंग किया उस टाइम। तो उस टाइम के इंसिडेंट इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है कि हमारे उस टाइम हमारा मोबाइल ही था, ठीक है ना। अब इस टाइम मोबाइल है, लेकिन इस उस टाइम जो हमारे हमने जो किया वो हम नहीं कर पा रहे कि इस टाइम हमारे पास मोबाइल है। लेकिन विशाल मैं ये कहना चाहूंगी कि उस टाइम बेशक कैमरा नहीं था, लेकिन जितने भी पिक्चर्स है ना आज तक हमारे दिलों में सब कैप्चर। मैं तुमसे जानना चाहूंगा, जैसे पापा ने बताया ये लोग ऐसे गेम खेलते थे, तो अब के टाइम में तुम और तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे भाई जब गेम खेलते हो तो लड़ाई होती है गेम्स को लेकर या कुछ वैसे नहीं? मेरी सिस्टर मेरे बीच में बहुत सारी लड़ाई करती है मोबाइल को लेकर। जैसे जैसे मेरे फादर हैं और मेरी बुआ है, वैसे ही मेरी मैम और मेरी सिस्टर है और दो भाई हैं, सेम ऐसे ही हैं। और जैसे पापा ने बताया था डांट बड़े को लगती थी, वही मेरे को लगती थी डांट। उसी के कहने पे सब कुछ होता है, ठीक है ना। हम बहुत जिद करते हैं, हमें वो चाहिए ये चाहिए, बट फादर को पता होता है कि ये चीज इसके लिए कितनी यूजफुल है कि इसको दे के ना दे, ठीक है ना। अगर ये चीज कोई इंसान समझता है ना, ठीक है ना, मैं कहता हूँ अपने फादर को समझता है। बिल्कुल। और तुम क्या कहना चाहोगे अपने फादर से? एक बार ऐसे हुआ था जैसे साइन के बारे में पापा का, मैं मेरे बहुत सारे कम मार्क्स आए थे, मैं पापा से एक पेज पे साइन करा देता और उस पेज को काट के वही पेज पे जाकर मैम बोलती थी ना पेज पे साइन कर देना, वही चिपका देता वहां पे साइन। आपने तो साइन बनाया था हमने कि आपके साइन को चिपका एक बार का पूरा चल रहा है अरे कौन भी चल रहा है। मैं पापा के लिए कहना चाहूंगी कि सीरियसली तो शायद पापा एक बहुत ही अच्छे पर्सन है लाइफ में, कितना कुछ वो आपको सिखाते हैं, बट पता नहीं क्यों एक डर की वजह से ना वो हम चुप रह गए। तो मुझे लगता है कि वो डर नहीं होना चाहिए, शायद हम भी कोई कमी रहेगी, हम डैडी के फ्रेंड्स ही नहीं बन पाए, हम डरते ही रह गए बस उनसे, ये चक्कर है। तो ये एक फ्रेंड वाला वो चीज अब हो सकती है। आप बताओ तो बिंदास तो डैडी कुछ कहते, मैं कहती डैडी यार क्या है यार, उस टाइम तो डैडी से ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं थी, अब डैडी कहते देख मैंने यार बोल रही है। एक और बहुत जरूरी बात तुषार मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरे अपने फादर जब मैं बहुत छोटी थी तो एक्सपायर हो चुके हैं, तो मेरे अकेले ये फादर है, वैसे मेरे ताया जी हैं ये, मेरे अकेले ये फादर मेरे डैडी जिन्होंने चार बच्चों को पाला है, इन्होंने अपने बच्चों को तो पाला है, अपने बच्चों के साथ दो बच्चों को और पाला है, मुझे और मेरे ब्रदर को। तो सीरियसली मुझे लगता है कि लाइफ में इनके जैसा नहीं होगा कोई और। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा हम लोग अब इसको सीरियस नोट की जगह फिर से वापस आ जाते हैं, और हम लोग एक बार सभी को मिलके इसको एंड अप करने से पहले फादर्स डे विश कर देते हैं, तो 1 2 3 की काउंट में एक साथ हैप्पी फादर्स डे सब लोग मिलके बोलते हैं। जी रेडी 1 2 3 हैप्पी फादर्स डे।